अश्कों से दामन को, अश्कों से दामन को भिगोना पड़ता है। शेर सुनिए। अश्कों से दामन को भिगोना पड़ता है, प्यार न करना प्यारों में रोना पड़ता है। जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, रात को कच्ची नींद में सोना पड़ता है। जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, हे बेबी जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, रात को कच्ची नींद में सोना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना है आपसे, क्या कहना है कहूँ, बिल्कुल नई बात पेश करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरे रात दिन समी भाई सुनना, बिल्कुल नया कथा पढ़ रहा हूँ। मेरे छोटे भाई अजीज दोस्त मोहतरम हिलाल बदायूनी क्या फरमाते हैं, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं, ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं, जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना, जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना। आप लोग भी मजा लीजिए इस कथे का। हिलाल बदायूनी कहते हैं कि ये मेरे रात दिन किसके ख्यालों में गुजरते हैं, जवाब इसका तुम अपने दिल से ही मालूम कर लेना, जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे से, ऐ मेरे नौजवानों जुदाई की शिकन तुमको नजर आएगी चेहरे से, ए मेरे फोटो को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना, मेरे फोटो को फुर्सत में जरा सा जूम कर लेना, जी जूम कर लेना। हम जुनों में जिधर निकलते हैं, पीछे हम भी चलते हैं, हम जुनों में जिधर निकलते हैं, मंजिले साथ लेके चलते हैं। अच्छा करते हैं हम जुनों में जिधर निकलते हैं, मंजिले साथ लेके चलते हैं, और यही आती है तेरी याद है दोस्त,
जैसे घर में चराग जलते हैं, जैसे घर में चराग जलते हैं। ये जुनू में जिधर निकलते हैं मंजिलें साथ लेके चलते हैं। हम तो अपना सारा सामान ही खैर साथ लेके चलते हैं। नहीं मैं छोड़ गया आई हूँ। नहीं 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 गाएंगे किस तरह से फिर? आप सिर्फ मंजिलें साथ लेके चलती हैं, लेकिन यहाँ तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। चार मिसरे देखिए, फिर नए मिसरे याद आ गए मुझे। बेबी राहत इंदौरी कहते हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी मरहूम। कभी महक की तरह ऑपरेटर साहब, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह ये सिद्धि लेके उड़ रहे हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, और कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। है मेरे दोस्तों, कभी महक की भाई सारा सत्यानाश कर दिया अपने यार, शेरों का मर्डर कर दिया। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हौसलों से उड़ते हैं। हेलो हेलो, शोर दिल में पपा ही रहता है। हेलो बोलिए। शोर दिल में पपा ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। शोर दिल में पपा ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है, जान दे दे कोई किसी के लिए बेवफा ही रहता है। बेवफा ही रहता है। लेकिन बेबी खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। ए मेरे दोस्तों, मेरा इनसे कहना है कि खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। तू किसी दिन कहीं बेमौत ना मारी जाए, क्योंकि तूने यारों को मददगार समझ रखा है। तूने यारों को मददगार समझ रखा है, यारों को मददगार समझ रखा है जी। ओए हो, लेकिन मेरा कहना है, चलते दरियाओं की मानिंद बहकते जाए, हम वो कमजर्फ नहीं है जो छलकते जाए, हम वो कमजर्फ नहीं है जो छलकते जाए, और मुझको हाथों में कोई कैद नहीं कर सकता, हम तो खुशबू है जिधर जाए महकते जाए, हम तो खुशबू है
गजल का मुकाबला। वाह, मैं पेश कर रहा हूँ, बड़ी ही प्यारी बात याद आ गई। लेकिन उससे पहले ये कता भी याद आया है कि मजा देती है रंजिश, बदगुमानी अच्छी लगती है। मजा देती है रंजिश, बदगुमानी अच्छी लगती है, किताबों में मोहब्बत की कहानी अच्छी लगती है। पीछे से आवाज तो आई, सुनिए साहब मेरे जितने भी नौजवान बैठे हैं पीछे, कि मजा देती है रंजिश, बदगुमानी अच्छी लगती है, किताबों में मोहब्बत की कहानी अच्छी लगती है, अंगूठी चैन दस्ती इत्र की शीशी महक ताकत, अंगूठी चैन दस्ती इत्र की शीशी महकता खत, तेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है, तेरी भेजी हुई एक एक निशानी अच्छी लगती है। मेरा कहना है सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू, सियासी सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में। क्यों? इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। ओए ओए, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, लेकिन बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है। सही में बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है। मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है। मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। कोई लड़की मिली थी, यही थी हाजी जी, वो यही थी। ये नहीं थी लेकिन इन्हीं के जैसी थी, जैसी थी। आप अब सही कह रहे। कोई लड़की मिली थी, बराबर जिक्र करता हूँ, गौर कीजिएगा सामने, कि बराबर जिक्र करता हूँ, मुसलसल याद आता है। मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। कोई लड़की मिली थी मुंबई जाते हुए मुझको, किस स्टेशन पे मिली थी अब मैं बताने जा रहा हूँ। वो खो गई क्या? कोई लड़की मिली थी, प्रेम में मुलाकात हुई थी, मुंबई जाते हुए मुझको, सफर पर जब निकलता हूँ भुसावल याद आता है। सफर पर जब निकलता हूँ भुसावल याद आता है। शुरू करें तो सुनो, सुनाइए। सफर पर जब निकलता हूँ भुसावल याद आता है। इसीलिए कहना है क्या? क्या कहना है? कि कोरा कोरा उस लड़की का वो चेहरा देखकर मुझे एक मतला याद आया था। गोरा गोरा चांद समुखड़ा, है।
बच्चे की तरफ से, मेरा नौजवान साथी कोई नहीं आया, लेकिन इस बच्चे ने ये कुछ नजराना पेश किया है। पहले मिसरे पर इस मतले के खुलासा करें कैसे ये बात। ये लड़की चचा चचा भी देखना सुख है क्या बोले हस्ती है। खैर गजल पढ़ रहा हूँ, मुकाबले में ऐसी ही गजलें पढ़ी जाती है। ये लड़की अंदर से हसी है, ये लड़की अंदर से हसी है, उल्टा हो गया। ये लड़की ऊपर से हसी है, ये लड़की ऊपर से हसी है, ये लड़की ऊपर से हसी है और अंदर से
लगिया साहब, इन्होंने अभी कहा कि मीठी मीठी बातें करके बनता अल्लाह वाला है। सूरज से लगता है भोला लेकिन दिल का काला है। सूरज से देखिए, सूरज से तो मैं आपको भी देख रहा हूँ। एक शेर सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो? अरे मेरे नौजवान, एक शेर सुन लो। बिल्कुल सुनो भाई। बेबी आपकी नजर कर रहा हूँ ये शेर। हाँ बिल्कुल कहिए। रास्तों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं। ये भी जनाब तनवीर काशिफ है, कहते हैं अबरार काशिफ हिंदुस्तान के मशहूर शायर और नासिक। एक शेर में कहते हैं क्या, रास्तों का कौन जाने रहे गुजर अच्छी नहीं। रास्तों का कौन जाने रहे गुजर अच्छी नहीं। समीला भाई गाने हुए फरमाइश करके कहीं दूर चले गए क्या? कहना है कि रास्तों का कौन जाने रहे गुजर अच्छी नहीं। इसकी आंखें खूबसूरत हैं नजर अच्छी नहीं। रास्तों का कौन जाने रहे गुजर अच्छी नहीं। इसकी आंखें खूबसूरत हैं नजर अच्छी नहीं। लेकिन फिर एक शेर कहा है कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। किसने दे दी तेरी आइए आंखों को सुपारी मेरी। इनको पसंद आया ये बिल्कुल नया शेर था। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। बोलिए कुछ कह रही थी आप। ये कह रहे किसने दे दी आंखों की शुक्रिया सुपारी मेरी। जी नजर मिलाना हसीनों से तुम जरा बचकर। क्यों ये सुपारी मिल गई आपको। जी नजर मिलाना हसीनों से तुम जरा बचकर। ये नजर की मीठी छुरी सीने में धस जाएगी। और हसीन शाम से जुल्फों को मेरी मत छेड़ो तेरी जिंदगी इस जाल में फंस जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं शेर पढ़ रहा था, सुनिए साहब कैसे। इसके अंदर Yeah.
स्टेज पर बैठे हैं, पीछे कुर्सियों पर। इससे जरा तुम दूर ही रहना, इससे जरा तुम दूर ही रहना, इससे जरा तुम दूर ही रहना। क्यों ये तो नकल काली है, खाते भी नहीं वैसे भी, अच्छा हुआ नहीं डाली आपने, बिल्कुल बेकार। नहीं, अगर खाना वाना लाती तो इसीलिए तो नागन बना रहे हो। अच्छा, मैंने इसी को खास न डाली और न चाहा, मैंने इसे ये तो आशिक नाम की मेरे, ये तो आशिक नाम की मेरे। सलाम के लिए।